हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। कहाँ मैं आपको चलिए बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं बरनाला पंजाब। और एक्चुअली क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मैं मेकअप ही नहीं कर पाई। कल मैं बिना मेकअप की रही थी और आज भी मेकअप, बस देखिए देखिए सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी, और यही लिपस्टिक से ही मैंने पूरा मेकअप कर डाला। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप किया है। अब एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोगों का मेकअप छूट गया घर पर। तो वहाँ पे खाने का पूरा मेकअप का सामान सब हम लोगों का घर पे ही छूट गया। और हम लोगों को वो याद आया जब हम लोग आधे रास्ते आ गए। उसमें एक्चुअली क्या था कि आयांश का दूध भी था और उसकी माँ जग की बॉटल थी, हम लोगों की वाटर बॉटल सब कुछ था, खाना था, और उसमें मेरा पूरा मेकअप का सामान था जिसमें मैं लाई थी। मैंने कहा चलो वहाँ पे मेकअप वगैरह करूँगी अच्छे से। तो हम लोगों का वो मेकअप वहीं छूट गया। अब वो कल दोपहर में याद आया कि आयांश को दूध देना है, ठीक है, तो बॉटल हम लोग निकालने गए, देखा तो बॉटल थी नहीं। उसके बाद उसके बेचारा बेचारा मेरा बाबू मेरा बेटा मेरा बाबू बेचारा बिना दूध के रहा, तो इसे बहुत तेज भूख लग रही थी। आयांश जो है भूखा रहा, तो हम लोगों के पास क्या था, मैंने अलग से माजा की बॉटल लाई थी छोटी वाली, वो मैंने जल्दी से रख ली थी, तो मैंने उसे वो दे दी। और रास्ते में तो कहीं कुछ मिला तो हम लोगों ने थोड़ा सा खाया। और एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम लोगों ने देखा ना कि अच्छा चलो आयांश को दूध देते हैं, तब याद आया अच्छा वो कहाँ है, तो वहीं छूट गया। अब फिर भी याद नहीं आया कि उसमें क्या क्या सामान था। ये बोल रहे थे आयांश के पापा कि इसमें तो सिर्फ खाने का ही था और आयांश की वाटर बॉटल थी। तो शाम में जब मैंने कहा चलो धो लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, तो तब जाके देखा अरे मेकअप का सामान कहाँ है मेरा जो बैग लाई थी। तो फिर याद आया कि अरे वो मेकअप का सामान तो उसी में ही रह गया। अब फिर मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आ गई, मैंने कहा बिना मेकअप के तो बेकार सा ही लगता है ना, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने बस शैम्पू करके हेयर को ऐसे ही छोड़ दिया है। सीरम वगैरह मेरा सब कुछ उसी में था। और गलती से ये एक लिपस्टिक जो है मेरे बैग में रह गई थी। मतलब मैंने क्या किया, एक लिपस्टिक से मैं तो लिपस्टिक लगाई, फिर उसी से सिंदूर भी लगा लिया और एक बिंदी का पत्ता पड़ा हुआ था तो बिंदी फिर मैंने लगा ली, और बाकी कुछ नहीं है। उसी लिपस्टिक से ही मैंने ये आई शेडो कर ली, आई शेडो से फिर मतलब लिपस्टिक से ही, मतलब मैंने एक लिपस्टिक से किया पूरा मेकअप। तो अब जाएंगे तो मेकअप का सामान खरीदेंगे। तो बस यही था कि मेकअप छूट गया, खाना छूट गया, और बहुत बुरा लगा मुझे क्योंकि मेकअप ज्यादा हम लोगों के लिए होता है कि हाँ बिना मेकअप के अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यार वही है कि अब वीडियो वगैरह शूट करनी है तो थोड़ा बहुत मेकअप तो करना पड़ेगा, और होटल में आए हैं कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिना मेकअप के तो रहा नहीं जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक ही लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर डाला। तो देखिए अब मेरा ये जो मेकअप हो रहा है, थोड़ा सा लिपस्टिक भी नहीं, ये सब इसी से है, लिपस्टिक और ये सिंदूर, मैंने इसी का ही यूज करके सारा मेकअप कर दिया। तो शाम का व्यू, मेरे जो मेरा जो होटल का रूम है उसके जस्ट सामने, मतलब खिड़की के जो सामने है, वो यहाँ पे चादर चादर दिखाई दे रही है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा होटल का व्यू है, मतलब पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। दूसरी विंडो जो है इसके सामने ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा अच्छे से। अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आयांश आयांश के पापा चले गए हैं, और एक्चुअली जो उनके साथ आया, उनका जो उसका सूटकेस का लॉक है ट्रॉली का, वो बंद हो गया है, और मतलब पता नहीं पासवर्ड क्या भूल गए हैं, तो उसी का वो खोलने के लिए गए हैं। देखते हैं कि होता है नहीं होता है, फिर इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। कॉल आएगा तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। आज मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट हम लोग पैक करके आ गए थे दूसरे होटल से चेकआउट करके, यहाँ पे मॉर्निंग में चेक इन किया था। तो और
इसलिए नहीं किया क्योंकि है ना इतना ज्यादा हैवी हो जाता है। मैंने कहा ठीक है आज सुबह और दोपहर में नहीं करूंगी। हाँ जो पैक किया था वो दोपहर में थोड़ा बहुत खाया था, थोड़ा सा बस, मन नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन अब लग रही है बहुत तेज भूख और अब मैं जाऊंगी और खूब सारा खा के आऊंगी। अब मुझसे भूख नहीं सहन हो रही है, अब तो हम खूब खाएंगे। और आयांश को तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खिला दिया था, वो तो कुछ यहाँ पे पराठा वराठा तो खाता नहीं है, तो उसे चॉकलेट वॉकलेट दोपहर में दे दी थी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, तो उसने चॉकलेट वगैरह खा ली थी। और वो माजा ज़्यादा पीता है और क्या करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नीचे, अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ खाना खाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये नीचे का दिख रहा है। वाह A9। देखिए हम लोग आ गए हैं ऊपर से नीचे डिनर करने के लिए। ये देखिए सामने कितना प्यारा लग रहा है, और ये भी कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट लजीज, और ये है बाहर का। तो ये जो है रेस्टोरेंट का एंट्रेंस है जहाँ से एंटर करते हैं, और ये जो है इसके साइड की वॉल है और ये बहुत अच्छी लग रही थी। देखो जिस पर लिखा हुआ है डिनर, तो ये अच्छी लग रही थी। और सामने है पूरा रेस्टोरेंट एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें बार भी है। बेटा नो 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 नो, सैंडल निकालो, आओ इधर आओ। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ हाँ खाना खाने चलो आओ। थ्री बाई फाइव कर दीजिए, क्या पी रहे और क्या पी रहे? वो कौन सी रोल है? ऑरेंज, अयांश ऑरेंज पी रहा है, अयांश ऑरेंज पी रहा है। बताओ कैसा है ऑरेंज? चाची टेस्टी टेस्टी है, बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा है। इस बार ये नहीं है। अयांश बताओ कैसा है ऑरेंज? चाची बहुत टेस्टी टेस्टी है ना, कैसे? ऑसम। क्या हुआ, क्या हुआ आपकी? ऑरेंज लग गया। तो यहाँ पे हमने स्टार्टर मंगवाया, स्टार्टर में हमने सूप मंगवाया है और दही के शोले और रोल मंगवाया है। उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे। देखो हम लोग आ गए हैं डी मार्ट। कहाँ आया यश? डी मार्ट। तो यहाँ से हम करेंगे बहुत सारी शॉपिंग, कुछ कुछ महंगी चीजों की, कुछ कुछ सस्ती चीजों की। चलिए चलते हैं। हो गया, तो हम लोगों ने डिनर कर लिया था, उसके बाद हमने सोचा कि चलो डीमार्ट चलते हैं। वो डी मार्ट। तो हम लोग आए हैं डी मार्ट क्या शॉपिंग करने, वो आपको पता चलेगा जब हम शॉपिंग कर लेंगे तब। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है, क्या प्राइस है चीज़ों का, क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। क्योंकि डीमार्ट तो मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो मुझे याद भी नहीं है कब मैं गई थी। तो यहाँ पे एंट्री होगी यहाँ से, तो यहाँ पे जब मैं एंट्री कर रही थी ना, तो मुझे मुझे वापस भेज दिया कि मैम आप अपना पर्स जमा करके आइए। तो फिर मैं वापस आई थी। तो यहाँ पे पहले मैं स्टार्टिंग में देख रही थी कि मेरे मतलब की चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो मैं चले जा रही हूँ चले जा रही हूँ। फिर इतना बड़ा डी मार्ट है, तो ये काफ़ी बड़ा था और प्राइस ठीक थे इसमें, मतलब ऐसे था, काफ़ी ऑफर था चीज़ों पर। तो लेकिन थी सारी खाने पीने की चीज़ें, जो मैं चीज़ें लेने गई वो मुझे नहीं मिल रही थी। देखिए पूरा डी मार्ट, यहाँ पे भी काफी बड़ा डी मार्ट है। काफ़ी भीड़ थी डी मार्ट में, तो हमें जो भी थोड़ा बहुत सामान लिया उसके लिए हमें काफ़ी देर तक लाइन में लगना पड़ा, और उसके बाद ही हमारा बिल हुआ। तो हम लोगों ने तो हम लोग डी मार्ट से लाए एक स्लाइस की बॉटल, और ये मेकअप का सामान कुछ भी नहीं था, और ये भी लेकर आई। बाकी हम लोग लाए थे मैंगो वगैरह, तो ये सब सामान लाए हैं हम।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। तब तक एक मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। एक्चुअली लाइट चली गई है, चलिए बाय बाय।